नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ प्रशासक का बड़ा बयान, अगर नहीं थमे कोरोना के कदम तो बाजारों में लॉकडाउन होगा ऑड इवन का सिस्टम। चंडीगढ़ में लुटेरों ने वेस्टर्न यूनियन बूथ को बनाया निशाना, गन पॉइंट पर लूटे 3 लाख रुपए। स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहती थी कनाडा, नंबर कम आए तो 19 साल की छात्रा ने दे दी जान। पंजाब में 70,000 फर्जी पेंशन धारक घोटाले मामले में सियासत चालू। रोहतक में भीषण सड़क हादसा, सैर पर निकले 3 युवकों की अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर से मौत। मंडी में 11 नए कोरोना केस, जोनल अस्पताल की नर्स और गोहर थाने का कुक पाया गया पॉजिटिव। भारत आने के लिए फ्रांस से 5 राफेल फाइटर्स ने भरी उड़ान, 29 जुलाई को वायुसेना में होंगे शामिल। ऐश्वर्य आराध्या हुए कोरोना नेगेटिव, अभिषेक बच्चन ने शेयर की गुड न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर में अगर कोरोना वायरस का कहर इस तरह जारी रहा तो प्रशासन शहर की व्यवस्था मार्केट में ऑड इवन लागू कर सकता है। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई वॉर रूम की मीटिंग में प्रशासन तथा निगम के अफसरों को इस बात पर गंभीरता से विचार करने को कहा गया। चंडीगढ़ थाना 26 क्षेत्र के अंतर्गत नकाबपोश लुटेरों ने वेस्टर्न यूनियन के बूथ को अपना निशाना बनाते हुए गन पॉइंट पर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालंधर के आलमगीर गांव की 19 साल की एक छात्रा ने इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम परीक्षा के नंबरों को लेकर आत्महत्या कर ली। छात्रा स्टूडेंट वीजा पर कनाडा जाना चाहती थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अब कोरोना के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। वीरवार को 6 मामले आने के बाद रात को 11 और पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव मामले में जोनल अस्पताल मंडी के गायनी वार्ड की स्टाफ नर्स, मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारी और गोनर थाने का कुक शामिल है। फ्रांस के मेरिग्राफ बेस से रफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 5 लड़ाकू विमान ने फ्रांस से उड़ान भर ली है। एक दिन के बाद ये 5 विमान अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। बुधवार को इन विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। ये 5 विमान अंबाला पहुंचने से पहले यूएई में अबूधाबी के करीब अल दरफा फ्रेंच एयरबेस पर हॉल्ट करेंगे। बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना नेगेटिव है। अभिषेक बच्चन ने गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है। ऐश्वर्या और आराध्या को नानावटी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।